हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी बर्ड्स एंड एनिमल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेबी पैरट को किस एज में नहलाना चाहिए और किस टाइम में नहलाना चाहिए। बहुत सारा बेबी बर्ड्स जिसके बॉडी में ठीक से फेदर्स भी नहीं आया, वैसे बेबी बर्ड के बॉडी से एक अजीब सी स्मेल आती है, तो बर्ड ओनर को लगता है अब नहला देना चाहिए। बट अभी आपको नहीं नहलाना है क्योंकि आपका पैरट अभी बहुत ही छोटा है। स्मेल इसलिए आती है क्योंकि जब आप हैंड फीडिंग कराते हो तब फीड बेबी पैरट के बॉडी में गिरता है और क्लीन ना करने की वजह से स्मेल आने लगती है। तो जब भी फीड गिरे तब कॉटन का कपड़ा से या फिर कॉटन बॉल्स को पानी में हल्का हल्का भिगा कर पोंछ दीजिए बॉडी को। बेबी पैरट की एक्स्ट्रा केयर की जाती है, जैसे कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना, टाइम पे हैंड फीडिंग, कंप्लीट रेस्ट। आप जहाँ भी अपने पैरट को रखते हो, चाहे वो बॉक्स हो या बास्केट हो, वहाँ का बुरादा को हर 2 से 3 दिन में चेंज किया कीजिए। बुरादा में बेबी पैरट पुप करता है जिसकी वजह से गंदा हो जाता है, अनहाइजीनिक भी होता है। पुप बेबी पैरट के बॉडी में लग जाता है और स्मेल भी करता है, इसलिए चाहे वो छोटे छोटे पीसेस हो न्यूज़पेपर का या फिर बुरादा हो, हर 2 से 3 दिन में चेंज कर दीजिए। बेबी पैरट को 20 से 25 मिनट के लिए धूप में ले जाइए, जब हल्की धूप रहेगी तब। इससे विटामिन डी मिल जाएगा। सनलाइट बेबी पैरट के बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं किस एज में बेबी पैरट को नहला सकते हैं। बेबी पैरट को तभी नहला सकते हैं जब पूरे तरह से फेदर्स बॉडी पे आ जाए। बेबी पैरट के बॉडी में 3 से 3.5 महीना लग जाता है पूरी तरह से फेदर्स आने में। बेबी पैरट को नहलाना उसी दिन है जिस दिन अच्छा खासा धूप निकला हो, सुबह 10 से 11 बजे के बीच नहला सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो स्प्रे बॉटल की हेल्प से नहला सकते हैं, अदरवाइज़ अपने हाथों से पानी डाल डाल कर नहला सकते हैं। बस ध्यान रखना है नहलाते वक्त पानी मुंह, कान, नाक या आंख में ना चला जाए। कई बर्ड ओनर हैं जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे कि पानी में डेटॉल, सेवलॉन या शैम्पू मिक्स कर देते हैं। ये सब तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बेबी पैरट को नुकसान होगा, स्किन डैमेज हो सकती है, फेदर्स डल होगा, मे बी झड़ना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे प्रोडक्ट्स बर्ड्स के लिए नहीं बनाया गया है, इंसानों के लिए बनाया गया है, तो बर्ड्स के ऊपर तो बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। नॉर्मल पानी से नहलाना है, आप चाहे तो हल्दी पाउडर सिर्फ ऐड कर सकते हैं। हल्दी एंटीबायोटिक का काम करता है और माइट्स को भी किल करता है। यही एंड करती हूँ मैं वीडियो को। आशा करती हूँ आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।